टीवी के टॉप न्यूज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। पहली खबर है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान यानी कि रोहित पुरोहित की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपना दीवाना बना रखा है इन कंजी आंखों से। सोशल मीडिया पर रोहित ने ये तस्वीरें शेयर की जहां पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं और फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है नीति टेलर की, जो हाल ही में मालदीव्स ट्रैवल करती नजर आई थी अपने बर्थडे के मौके पर, और इसी का एक ट्रैवल वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस को कहा है कि उन्हें हर मोमेंट हर पल जीना चाहिए बहुत ही खुशी से और एंजॉय करता रहना चाहिए। नीति की ये वीडियो देखकर हर कोई इस तरह ट्रैवल करना चाहेगा। एक्ट्रेस ने लिखा, लाइफ्स टू शॉर्ट नॉट टू सेलिब्रेट योर सेल्फ इन योर ओन वे। दिस ईयर इट वॉज ऑल अबाउट पीस, द ओशन एंड द क्वाइट मोमेंट्स दैट स्पोक टू माई सोल। नेक्स्ट न्यूज है सुमन इंदौरी के तीर्थ यानी कि जैन इमाम की, जिन्होंने न्यू लुक अपना लिया है और अपना ये ट्रांसफॉर्म्ड लुक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया जहां पर उनकी मस्टैश देखी जा सकती है। और इसके साथ ही जैन ने लिखा, हैप्पी मेंस डे, सेलिब्रेटिंग मेंस डे विद द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। जैन की को स्टार अशनूर कौर ने भी अपने सेट से सभी जेंट्स के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी मेंस डे टू आर डैशिंग मेन ऑफ सुमन इंदौरी। नेक्स्ट न्यूज है अली गौनी की, जो सपोर्ट करते नजर आए बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट विवियन डिसेना को, क्योंकि वो नॉमिनेट हो गए हैं, इसलिए अली ने यहाँ पर एक वोट अपील की विवियन के लिए अपने सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट न्यूज है निया शर्मा की, जो नजर आई एक बहुत ही अमेजिंग से लुक में, फुल ऑन पार्टी वाइब्स वो एंजॉय करती दिख रही हैं। उन्होंने व्हाइट कलर की फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनी है और उसके ऊपर ये ब्लिंग स्लिप ऑन ड्रेस जो उन पर काफी सूट कर रहा है। मैचिंग हील्स के साथ निया ने अपना ये वेकेशन आउटफिट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट न्यूज है मनारा चोपड़ा की, जिन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने फैजू के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट शूट किया है बहुत ही जल्दबाजी में और वो बहुत एक्साइटेड है इसे लेकर। और मनारा यहाँ पर फैजू से ये भी पूछती नजर आई कि वो दोनों कब एक सॉन्ग साथ में शूट करेंगे।